मैं जो आख्या भाई उन्होंने कहा ना रामा देवी खलो मैं ना अपने के काम आई खलो तो सही की ओ ओ जिसने तो घर आया तुम डूम घर छड़ के आई जे हूं किने जांदी पई अब्बा किदाई तो जावा आई आ जाटो जांदी किदे पई है तू मने दसो मैं सहमा हो जांदी पई हां हेलो जो घर आया बैठा है ना ओ तेनु लेन आया बैठा खर्चे होंगे मां प्यो की जिम्मेवारी एडी वी गल का ही नहीं खर्चे होंगे शादी हो जाए पुत्र दिया खर्चे कोई वेंदा है गलती हो गई वेखो इसे गल नी पे मनूस आ जरा मांग के ले आई छोरे तेन मैं मारा था भी गल का नहीं चुप करके मेरे नाल घर तोर पाओ या मैनु गाल दसो विचली गाल की है वजह की है जिस गलु ओद नाल तनु जा अब्बा हाय गाल दस जरूरी नहीं ते हाय वजह में प्यो नु दस जरूरी नहीं बस मैं ओद नाल नहीं रह सकदी अगर तू रने कर का अब्बा मैं कोई नु जा मैं गा जांदी पई हां सहम आ जैसे ओद नाल कोई मुका लवे ना ता मैं ले जा तो मेरे को इत्ते छोरे मरियम ने तो मैं चुप की गलो ता चुप करके मेरे नाल तोर पाओ कर अब्बा ओनु गयो काट जात मोय आ जानी है मैं ओंदा मुंह ही नहीं देखना चांदी बस मेरे दे आगे खराब हो गया ओ क्यों मैं घरु कड्डा मैं जीतन ताई किसी गल दा पता ना लगे मैं इने किवे ओनु घरु काट छड्डा ते किवे तन मैं घर बाई रखा अब्बा जो करने कायो मैं गाव नहीं वजह नहीं दस सकदी अच्छा वजह नहीं दस सकदी हां कोई ओजे वजह जेड़ी तू मेनू दस सकदी अब्बा थैंक यू एक बार आख्या बे ओनु आ एक बार भाग जावे ते मोय बाद च असी आपस प्यो की गल करके तो मोह सदवा लवी जो सदवा तो फिलहाल वो इस टाइम मेरा दिल करता पे कि तू फैसला ही मांग कमाल वाली गल ना गल दा पता ना लानी ना गल दा पता लग जासी तेनू अब्बा एक बार जे मैं गल की मान ला मैं तेरी दई हाँ क्यों तेरा ढेर लगता है ओ मैं जो अल्लाह दे बंदे तेन उसनों दित्तो होया मैं हत्थ नाल परनाया तेन लोली च गत्या बैंड वाजिया नाल मैं तेन परनाया आई ते कि मैं इनको गल बार तो पता ना लगे देखे तू उन गल चल पैसा कोई अनोखा काम कर लई बैंड वाजे वजा के कोई अनोखा काम हो गया हर दे दियां पुत्रा दी जदों शादी होंदियां ने सारियां रस्मां होंदियां नो जिथे वसेब ना होवे नहीं होंदा ए हो अब्बा के होई तो तू दित्ती खले ते ईमान दी कर के वजह होंदी के काई नहीं होंदी के काई अब्बा काई वजह नहीं पियावा नु दसांदी होंदी पता नहीं केड़ी वजह जड़ी मैं चलने कर दूं अब्बा हो तो मैं ना जबरदस्ती करेंदा पिया तैन जो एक बार आख्या भी ओनु आके एक बार भाग जावे दम्मी ना मेरे मथे ओनु लाया तो क्यों है क्या लगा अब्बा मैं कोई नहीं ना जावा फिलहाल मैं सहमा हो जाऊं अगे मेरे 5 6 महीने दी तबीयत खराब है उत्तू एनु तो साथ ले आ ओए मेरे जी पई ना ओ मेरे मगरू एकरे घर जा रे चा मैं तेरे को पूछसा भाई तू की है तो तू करेंदी मेरे नाल की पाई मिल के पता होंदा ऐ मैं होला पाई रखदा जदो तक आप मेरा जहन ना मनने ना ओदो तक मैं गल जावा ही ना ते जदो तक ए सीधा ना होवे ओदो तक मैं भी कोई नहीं जावा अबे ना कई गल दा पता है ना वजह दा पता है मैं मेरे को पूछे लग गया इत्थे वजह दस इत्थे जैसे आया टाइम दस ऐसा पता नहीं ऐसी केड़ी गलत गल मैं इस नाल कर छड़ी है कि इतनी फिट भी खेंदी है गड्डी फेट के मैं अंदर बढ़िया तो बाहर निकल गई है तो दुनिया जान है इस तरह गल् होंदिया रहा मैं कोई एड्डी वड्डी गल तो की को नहीं जी महसूस की वही हुई कौन नहीं आई
नहीं आए यार। आज मैंने गल दस भाई विच वजह की है एदा मकसद है। अगर उन्होंने पता तो मतलब इन्हें लाजमी पता है क्योंकि तेरे नाल भी उन्हें जानती तो ओ देखो तुसा पूछना है जेड़े नहीं आई कि तुसे जो इतने ढेर बार ला के आए दोवें धी ते प्यो है उस तुहानू कौन गल पूछया ने यार। मैं देर वारी पूछया मैं दसेंदी नहीं पई असल गल पर रोला की है इस गल का तेनू पता है तू दस चल। मैं इस गल का कोई नहीं पता जे मैनू पता होंदा है ते मैं हूँ तुम घर छी हो गया। कमाल वाली गल है ना तेनू पता है ना उन्होंने पता है तू लैन आना तेरे नाल जाती नहीं। मैं तो खुद न समझ नहीं आती पी कि ऐसी गल हो ऐसी की मैं कर बैठा। चंगा भला तेनू पता है खुदा के बंद तुम मैं ना दसो रोले तो तुम मैं कत्ते हो बड़ा। मैं तो इस गलो ही रहा हाँ तेन ही वजह नहीं दस मैनू भी वजह नहीं दस पर नहीं तेन वजह का पता होना चाचा यार समान मरो दो चाचा गल यह है कि अगर मैंने वजह का होना पता तो मैं हूं तक तेन सारी गल कर छी हो गया। मैंने वजह का पता कोई मुड़ अगर कोई आर बनाई वधीए है तो अगर वो चाहता है कि वो आँदी है कि मैं फैसला लेना चाहनी हाँ तो मैं फैसला दे चुका मैं यही क्या फैसला लेना तो मैं फैसला लेना ना मालूम होना तो मुड़ सीधी तक रही को पी हो की रौला की है। तू यही करो तू आज चुप करके घर वापस। चाचा मैं ही हुआ ना कि उन्हें इतने सदबा मेरे सामने मुंह तो जेड़े कोई गल है सदबा तू जो इस दिलत घर आया तो घरों निकल गए मैं तो मैं सदबा मैं आप परेशान है कि इतनी फिट हो गई आई के कह दिए मैं ऐसी कोई गल तो कितनी कोई नहीं ये लेने पता लगा बस रहन घर वाड़े आया और सरास चुप करके निकल गई अच्छी तो प्यो दी हत्ती पाया तो उस टाइम ही मेरी नहीं मनी बांधी रही है। सही है चलो चाचा सही है मैं भाग जाना मैं पिछले ना अपना काम धंधा छोड़ के हाँ क्या रोज रोज छुट्टियाँ छुट्टियाँ जड़ी होंगी मैं तो नहीं होंगी। अरे ठीक है तू ना कर छुट्टियाँ मैं दम्मी तेन साध ले सा आ तो काम धंधा सारे बंदे करें दे वजन तो मैं भी काम धंधा ही करना तो तुझा मेरे तो काम ही नहीं पाया मैं आ मशीन लाई है नवी तो आ चौधरी मेरे सदन का पाया मैंने तो लगता है जिम्मे सारे बंदे बंदू बदे दे लगा वजह था ये बंद वेख के नहीं ये बंद ने वेख के चबल जाइए बंद ने वेख के इस वास्ते कोई ना कोई रोला बनाई बदी के आवाज ना दस दे भाई बोला यार जा मैं आज वजह पूछ के तन में दम साथ लेना मोड़ जेड़ा फैसला करने ने फैसला कर लो है क्योंकि मैं तू ना बर्दाश्त नहीं होता पे के इतने बंदे ने वेचो जना खुश है मैंने वेख के आ गा जा तू आ आ वजह तोड़ी के अपनी तो बंदिया दा ना इने ना लाओ मैं तुम मोड़ नहीं बर्दाश्त ना मैं फैसला देख के तू जान तो छुड़े सा बस आ हूं बस कर लगना चाहिए इतों उन्हें सुनाई नहीं चुरा आज मैं भी मेल के जावना है एक निकी जी मैं कुर्बानी मंगी है चलो तू कुर्बानी नहीं दीती एड्डी बड़ी गल तो आई है कोई ना कि तू हजा रहे मुड़ मैंने वेखना है गवारा नौ कर दी पई चलो ये फेटी नहीं बंदा नहीं खेलना चाहिए तू भी खाई बनी एड्डी गल तो एक मिनट ना हाथ ना मरना तो मेरा ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਬੈਠਾ ਮੇਰੇ ਰਾਤ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਮੇਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਹਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੰਗੀ ਆਈ ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਆਏ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਗੈਰਤ ਜਿਹੇ ਇਹਨਾਂ ਗਾਲਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਜਿਹੜਾ ਬਗੈਰਤ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗੈਰਤ ਮੰਦ ਮਰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ मैंने मजबूर ना कहा तू ऐसा कोई बगैरत शख्स है मैं प्यानिया पी गया गैरत नु पी के तो बगैरत हो गया ओए कौन वडिया गल्ला च गल ही कोई ना एवें तू ही हां हां सही गल है गल तू नहीं नहीं वाकई तेरे वास्ते गल्ला च गल काई नहीं क्योंकि ये हो जे गल गैरत मंद नु चंगी लगदी है ओनु लगदा है के बहुत वड्डी गल है तेरे वर्गे नु ਸ਼ਕਲ ਵੇਖੋ ਦਾਦੀ ਮੋਛੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੋਛ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਅਜੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੋਛ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਬਗੈਰ ਤੇ ਦੇ ਸੀਨ ਕਰਨ ਹਲਾ ਹੁਣ ਛੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸ ਛੱਡਾਂ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਅੱਬੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆਂ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਸਹੀ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਬੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਜੇ ਕਾਲ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਖਲੋਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਹੀ ਪਵਾਂ ਹਲਾ ਹੁਣ ਜੀ ਮਤਲਬ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਛੱਤ ਨਾ ਲਾ बस करते उन्होंने छाड़ दे गुस्सा इतना गुस्सा तो बन रहा है तेरा इस गल क्यों नहीं
ਗੁੱਸਾ ਲੱਖ ਲਾਨਾ ਤੇ ਤੇ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਮ ਕਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਨਤ ਗਤੇ ਸਮਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਮਰਦ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੰਦੇ ਇੰਜ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਨਤ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਸ ਸਕੀਂਦਾ ਹਲਾ ਹੁਣ ਚਾਚੇ ਨਾ ਦੱਸੀ ਗੱਲ ਅੱਬੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਜੇ ਕਾ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਖਲਾਤਾ ਨਾ ਤੇ ਅੱਬਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਬਾਰ 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 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਭੈੜੀ ਲੱਗੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਲ ਆ ਦੇਖ ਲੈ ਮੈਂ ਮਾਫ ਮੰਗਦਾ ਮਾਫੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮੰਗਦੇ ਜਿੰਨ ਹਟ ਕੇ ਹੋ ਜੇ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਾ ਕਰਵਾਵਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਸੋਈ ਉਠਾਈ ਅਟੈਕ ਗਈ ਹੈ ਅਗਾ ਚਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤੇਰੀ ਹਲਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੁਕਰਦਾ ਹੁਣ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅੰਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਲਾ ਮੈਂ ਲੱਗ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਅੰਸਾ ਅਵਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋ ਤਲਾਕ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਲਾਕ ਦਾ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਜੇ ਕਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਰਾਣ ਦੇ ਹੁਣ ਬਸ ਆਦਾ ਜੋ ਪਿਆ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗੱਲ ਹਲਾ ਬੋਲ ਜਾ ਸੈ ਸਟਾਪ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਜਾਵਾਂ ਐਡੀਆਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਤਨੇ ਬੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਹੋਏ ਨੇ ਗੱਬੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਰ ਕੋਈ ਬੋਲ ਜਾਵੇ ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਜਾਵਾਂ ਇਹ ਜ਼ਹਿਨ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮੌਜ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਖਲੋਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਸੰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਾਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਹਯਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਤਨਾ ਤੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੀ ਖਲੋਤਾ ਨਾ ਤੇਰੀਆਂ ਆਮਈਆਂ ਤੇ ਜਾਮਈਆਂ ਤੇ ਚੱਕਰੀਆਂ ਬਾਸੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਅੱਬੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਗੁਮਾਇਆ ਕੀਤੀ ਖਲੋਤਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਮੈਂ ਗੱਲ ਛੱਡ ਚਾਚੀ ਨਾ ਦੱਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅੱਬਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਛੋੜੇ ਨੇ ਅੱਬਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਛੋਟਾ ਚਾਹ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਪੱਠਾ ਜੋ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਇਹ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋ ਅੱਬਾ ਇਹ ਸਦੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਵਾਈ ਦੇ ਮਗੇ ਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟਾ ਚਾਹ ਲਈ ਹਾਂ ਚਾਹ ਲਿਆ ਅੱਬਾ ਤੈਨੂੰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਬ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੇ ਮਰਨਾ ਸੋਟ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿੰਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਅੱਬਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਛੋਟਾ ਚਾਹ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਸੱਲਾ ਤੋ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਦੱਸ ਗੱਲ ਕੀ ਅੱਬਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛਤੇ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੁੱਛ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਇਸ ਤੂੰ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਆ ਸੋਟੇ ਦੇ ਡਾਲ ਤੂੰ ਹੋ ਤੂੰ ਮੈਂ ਜਿਤਨਾ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਨਾ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਗਈ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਅੱਬਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਤੂੰ ਨਾ ਮੋ ਦੱਸਦੀ ਅਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ਰਮ ਲਾਈ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਮੋ ਇੱਕ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਪਿਓ ਦੇ ਗੁੱਲਾ ਛੱਡੇ ਤੇ ਬੇਤ ਆਈ ਗਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਚਾ ਅੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਅੱਛੋਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸੁੱਟਾ ਬਰਸਾਉਂ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਅੱਬਾ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜੀ ਕਾਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੀ ਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵਿਚਰੋ ਵਿਚਲਾ ਰੋਲਾ ਦੱਸੋ ਅੱਬਾ ਜਿਸ ਦੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਨਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਸਦੀ ਪਈ ਆ ਮੂੰਹ ਆ ਵਸਦੀ ਪਈ ਆ ਮਗਾ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਮੈਂ ਰੋਸ ਕੇ ਆ ਗਈ ਆ ਹਫਤਾ ਵੀ ਅਜੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਦਿਨ ਚਾਟ ਮਾਰੀ ਆ ਅੱਬਾ ਚਾਟ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੀ ਅੱਛਾ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟੇ ਉਸ ਮੈਨ ਕੋਈ ਨਾ ਹੀ ਹਾਂ ਬਸ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਆਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਰੋਸ ਕੇ ਆਵਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਓਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋ ਅਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇਂਦੀ ਪਈ ਅੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਤਾਂ ਲੈ ਗਿਆ ਹਾਈ ਹਾਂ ਮਗਰ ਮਨਾਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਮੈਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਈ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਮੈਂ ਪਹਿਲੂ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਅੱਬਾ ਜੈਸੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਲਾ ਚ ਲਾ ਕੇ ਮਨਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੀ ਨਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਗੱਲ ਬਗੈਰਤੀ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੱਸ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਹਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਜੱਡੀ ਬਗੈਰਤੀ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਰਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਤੇਰੇ ਭਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਅੱਬਾ ਮੈਂ ਕਿਰਾਈ ਵੱਗੇ ਜਾਨੀ ਆ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਭਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਬਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿਓਵਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿਉਂ ਓਏ ਅਗਰ ਦੱਸ ਕਮ ਮਰ ਸਾਉ ਸੋਟਾ ਅਗਰ ਦੱਸਗਾ ਅੱਬਾ ਸੋਟਾ ਹੀ ਤੇ ਸਾੜ ਕੇ ਸੋਟੇ ਦੇ ਡਾਲ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੇਂਦੀ ਪਈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵਸੀ ਹੋ ਵੈਸ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਹੋ ਤੇਰਾ ਜਾਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹੂੰ ਦੱਸ ਜਲਦੀ ਕਰ ਅੱਬਾ ਉਸ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਪਰਾਨਾ ਇੱਥੇ ਬੋ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮਨ ਕੇ ਆ ਤੇ ਗਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਜਬ ਮੰਨ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਨੇ ਗਾਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਲੈ ਦੱਸ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਦਸ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਚਲੋ
उस गल तू घबड़ गई है, मैं सारी गल तेरे की कोना जी, सारी गल मेरी सुन ला, उस तू बाद जिम्मे तू आखा ना मैनेज कर सा, ठीक है ना। तो जे एक गल दीते आई ना कि मैं तेरे ना की समक्ष सत्य शादी की थी, मैं उठू हो उसके बाद कहीं अगली गल में सोया दिलो ही ना। अच्छा हुन मेरी गल सुन, तू आज तक मेरे कुछ नहीं है कि हफ्ता हो गया साड़ी शादी नो थे, तू दूर दूर में थोड़ा ना है, और जी वजह है कि मेरी हुई रही मंगनी। मंगनी? हाँ। किदे? वो है मेरी कजन है, ते उस पे मेरा वादा हुआ है, मैं उस ने वादा ले रहा है, तो उस मेरे ना कि मैं किसी भी औरत ते चुलावा नहीं रहना है, जिस वजह से ना मैं होने तक तेरे करीब आया ही नहीं। एक गल्ला हो मैं दस साल दस की फायदा। अच्छा मेरी गल सुन, तेरे ना शादी करने का जरा ना मकसद, तेरा मकसद क्या है कि मैं किसी मकसद पे तेरे ना शादी करती हूँ? सही गल है, कोई मकसद ही आ गया क्योंकि प्यार तो वो देना करता। पता नहीं तेन तेरे प्यो मजबूर किता या मैं मजबूर हो गया, जिन्हें तेरा मेरा निकाह हो गया, ओदा मकसद यह है कि मेरा एक दोस्त है यासीन पता ना है, ते उस जगह ना तेन वेख है ना, वो उस ते बो मर रहा है बो ढेर, ते तू सोच ही ना सकती जितना वो तेरे साथ प्यार कर रहा है, सिद्धा सा वो आ नहीं सकता क्योंकि वो दे ना पहले शादी हुई हुई है, ते वो शादी से कर नहीं सकता, इस वास्ते मैं तेरे साथ शादी करती है सिर्फ ओदा मकसद पूरा करने वास्ते, उस मैंने यही वाक्य है सिर्फ एक रात तो को जाना है बस, उस तो बाद तू बीबी तो मैं गल तो सुन एक रात को बस एक बस हो इस तो अगर मैं ना गाल ना पिया कर, मैं सारे अपने वादे तो रोड फेस है जिसमें मैं मंगनी की हुई है सिर्फ ओदा एक अहम मकसद जड़ा ओ पूरा होने दे, मैं तो प्यार ही अपना मुंह ही थाई बांध खा ला हो ये लाज मुंह जुना कटी पे आ, मैं तेरा गाल नहीं तो मैं खुद तू मेरा गाल ना ला, मैं खुद तेरे जा सब तू मैं आपा गाल ना ला कदा है आपा गाल ना मैं ना आखदा जे मैं ना आदा पे खला बंदा ओदा मकसद पूरा करने वास्ते तू मेरे शादी कीती है ते हे तो रात में ओदे को लग जाओ, शर्म नहीं आई तेनू है, शर्म नहीं आई तेनू ए गाल कर दियो है ये टी गाल को मत कर मत कर एक गलत मान वास्ते बड़ी बड़ी गल है, मैं तो सोच ही ना हो सकती मैं तो सोच ही ना हो सकती कि मेरा गाल वाला मैंने ही उची गाल कर सी और मेरा ना तू निकाह कीता है, जब एक औरत परवी के जाती है ना शादी कर के जाती है एक मर्द के घर, ओ मर्द ओदा साया होता है औरत ओदे साए दे थल्ले महफूज होती है, और मैं तेरे घर कितने महफूज हाँ, तू एक एक बेगाने बंदे वास्ते मेरे ना शादी कीती है, ते बेगाना कौन है मेरा मुंह पक्का बेली है ते बचपन तो सी तो याद ते अकल कित्थे गई होया कितने की होया कल मुकद्दर उसने मेरे फर्क है ही कोई ना मेरे वास्ते वो बेगाना है क्योंकि मैं तेरे ना निकाह की तो है इसने तेरे शर्म नहीं आई मेरे नाले गाल कर दिया एक रात का सवाल एक निकली कुर्बानी एक रात का सवाल है ना एक रात का कोई बहन क्यों नहीं कर रहा ते कर एक रात का सवाल नहीं बावे एक रात का सवाल है तो बावे एक मेंट का काम में आप कोई खानदान चुको डाल जा मैं अपने गैरत मन प्यो की थी हां तेरे को एक मिनट भी रमा ते खलोगा मैं गवार नहीं समझदी तू भी तो मेरी इज्जत मेरी निकली मेरी बस तलाक जाएगी ना मेरे प्यो दे हां मैं ना आज ला मैं उस जीवन खान मेरे प्यो की कसम है मैं तेरा घर कभी ना बसई सा ए सोच के जान के मेरा दिमाग फटता पे कि तू इतना बगैरत हो गया ओए अल्लाह मेरे आ इस दुनिया ते ही हो जाए भी मार दे जाए या भी बीवियां नो ही उची गल्ला कर दे नो मैं सोच ही ना हो सकती आज तो बाद ना मैंने आपको मनुष्य शक्ल ना दिखा रही है छाड़ मैं ना अच्छा ठीक गान तो सुन छाड़ मैं ना अच्छा उन जा ना मैं तेरे नाली भैया मैंने हाथ ना ला अरे मैं जेद हाथ ना ला जेद मैं छाड़ मैं तेरे को लगा सही नहीं घटिया दरीब अच्छा प्यार ना दसी ये टिकट में गाल काट ली एक दिक्कत ये कुर्बानी ना मंगी है
अब्बा इसी वजह तो मैं तेनों दस आना उचान दिया गा तो बहुत चिल्लाई है और काट दे तेरे मुंह गत्ता दिखे ही जा होया थे। बस मेरी दी चुप कर मैं सारी तेरी सुन ली हूँ। इतने कंजर बेखैरा जितने लग गई ना मेरे बुए थे तो मोड़ मैं आखी मैं तलाक उस तू अजो लेनी है ऐसे तोड़ घर जाके तलाक मैंने ऐसे घर आके तलाक दी। अब्बा काश मैं उस टाइम तेरी गाल मान लेंदी जैसे मैं ऐसे नमूने ने पसंद किया है तो मैं चंगा भला वे केयो जाट नो इश्ता देंदा पिया मैं आज्ञा नहीं नहीं मैनू आप पसंद है मैंना पता जे मैं पसंद कर दिया एडा बड़ा बखेरा तो सी ओने भला कर वकील जाट नो ओनु आख हक बह गया मेरे दी लैला लैला उस आख्या नहीं मैं तो काई नहीं लेनी मैं तो काई नहीं लेनी मैं बाहर होना तो मैं किवें ला सकना मैं बंदे अगे तो बाहर पाकिस्तान चो रिश्ता लैके बाहर लैके भग जाते मैं हूँ पता लग गया सारा। अब बस कर मेरे मुंह च कोई गल नहीं हो आई खलोती है मोना की के मैं बेइज्जती कर ली है तेरे बेली दी। तू किधर आया मुकद्दस नु लैन आया चाचा मुकद्दस नु लैन आया चगल जान दिया तेरे वर्गा बेखैरत बंदा तो मैं दुनिया ते वेखना ही नहीं। की चाचा गल की बंदा से सु गल कोई गल की बनी है ये तेनु सारा पता है इस गल दा ते बंदे ए दस अपनी बीवियां नाल इन्ने करन दे नी मैं तो कितने लख दी लाना ते इस तेरी शादी कितने दे लाना ते मैंने पहले बतांदा ब तू इस खानदान दा एडे कुत्ते खानदान दा तू आऊं नहीं चाचा मेरा खानदान तो ठीक है बस भौक नहीं तो बकवास ना कर मेरे बेली मैनू पता नहीं की गल्लां कीती होईयां ने इस वजह तो मैं ओ तेरे बेली नु मैं कोजा खां तेरा बेली ओ मैं टकरदा है ना हुन यासीन तो ओदे ते मैं इंज बने सारा सारी जिंदगी याद करे सी हो। अच्छा और मैं गलती दी माफी मांगदा माफी नहीं छोड़ चल ना चाचा कदी शायद दा मौका अम्मा एनु चेक कर ला ओए निकल मैं निकल मैं आनी ओ दफा अम्मा एनु तो दोवे आई आ टिका के मेरा ता दिल खुश होवे आ के है इस बेगैरत तलाक लेने आए आप पे धोप जैसी है ओ यासीन केड़ा है को तैन पता है अम्मा ओन मैं ठुकरा छड़िया शादी वास्ते ता वास्ते उस बदला लेने वास्ते कीता ओ दा मैं तैन दसया कोई नहीं ओ चलो उस दा बदला लेने वास्ते कीता जेड़े ए तेरा शौहर बने होया है एदा हक बनदा है बे एक बीवी निकाह दे विच आ गई है ए ओदा बेली आई ओनु ओ बेली अजीज आई ते बीवी पीछा आई ऐसे बगावत शख्स भी हैं चल हुने अदालत में कैसे जावणा अब अदालत है लो ही कारी जा मांगी नहीं नहीं तेरे पेश में करना ये दी उठे गल्ला दसनी है जज साहब नु जज साहब नु पता लगे भी इहो जी मरा दी जान ते आए ओ टोरे अब्बा मैं ला जावणा मैं शर्म ओए अगा टोरे थैनु